हेलो फ्रेंड्स, काफ़ी अर्से के बाद में मैं ये ट्यूटोरियल डाल रहा हूँ। मुझे कई कमेंट्स में पूछा गया कि भाई सर, आप जो टंग से जो इसकी रिदम देते हैं वो कैसे देते हैं। तो मैं शॉर्ट में बता देता हूँ कि हम ये टंग का तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको कि जैसे ये माउथ ऑर्गन है, यदि आप ये नोट बजा रहे हैं तो आपकी जो टंग है वो यहाँ रहेगी और टंग से आपको इसको रिदम देना है और टंग जो है ऐसे ऐसे चलेगी, ऐसे ऐसे, ताकि जो नोट जो खुला है उसके पीछे के नोट जो है वो टंग जो है उसे जो रिदम के रूप में उसको चिपकाती है और उठाती है, चिपकाती उठाती है। आप जितना ट्राई करेंगे वो आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा। जैसे मैं बता देता हूँ आपको, देखिए तो मेरी टंग जो है वो पीछे की तरफ जो है रिदम के साथ में उसको टच कर रही है और आपको एक रिदम फील हो रही है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मोस्टली हम माउथ ऑर्गन पे हिंदी गाने बजाते हैं और हिंदी गाने ही सब सुनते हैं। तो आप यदि माउथ ऑर्गन पे हिंदी गाने बजाना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इंडियन क्लासिकल के जो थाट है वो इसके ऊपर प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोमेटिक जो होता है, क्रो मीन्स कलर, तो हाफ नोट्स जो हैं इस पे बजाते हैं हम। वो मैंने आपको पहले के ट्यूटोरियल में बताया है कि कैसे बजाते हैं हम लोग हाफ नोट्स। तो हम जो पहला थाट है वो बिलावल थाट है, जिसमें कि काफी गाने हैं। तो बिलावल थाट जो है उसमें सभी स्वर जो हैं वो शुद्ध हैं। तो आप उसकी प्रैक्टिस विथ रिदम टंग के साथ में कर लें। देखिए तो ये बिलावल थाट में जितने भी सॉन्ग्स रहेंगे, जितने भी शुद्ध स्वरों के जितने भी सॉन्ग्स हैं वो आप इस पे अच्छे से बजा सकते हैं। अब हम आते हैं कल्याण थाट पर। कल्याण थाट में जो है मध्यम तीव्र हो जाता है और वेस्टर्न के हिसाब से हम कहेंगे कि यदि ये सी स्केल का माउथ ऑर्गन है, सी डी ई एफ जी ए बी और फिर सी ऑक्टेव आ जाता है, तो आप जो है सी टू सी जो है बजाएं और रिदम के साथ में बजाएंगे और इसमें जितने भी गाने रहेंगे उसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। अब हम कल्याण थाट जो है उसके ऊपर आ रहे थे, तो उसमें मध्यम तीव्र आता है जो सी की स्केल में एफ शार्प हो जाएगा। तो उसकी आप इस क्रोमेटिक स्केल में क्लिप से इसकी मदद से उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आप मध्यम तीव्र को बार बार सुने कि उसका वॉइस कैसा है। देखिए यहाँ पे जो म तीव्र हुआ है, जो म शुद्ध बजा रहे थे हम, वहीं पे हम क्लिप का यूज करेंगे तो वह म तीव्र हो जाएगा। मीन्स दैट एफ विल बिकम एफ शार्प एंड वी विल गो टू जी, एंड हम वो पंचम पे चले आएंगे। आप इन्हीं की प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि आगे के स्वर तो शुद्ध हो जाएंगे, है ना। पधन निशा वो शुद्ध आप तो पहले प्रैक्टिस कर ही चुके हैं, तो आप क्लिप से एफ शार्प की प्रैक्टिस कीजिए, यानी सी की स्केल में एफ शार्प, और यदि हम सी को सा मान लेते हैं तो म तीव्र हो जाएगा। इसको रिदम के साथ बजा लीजिए। इतनी जरूर प्रैक्टिस करें और इस पर आधारित बहुत सारे फिल्मी गाने आपको मिल जाएंगे, हिंदी गाने, चंदन सा बदन, चंचल चितवन, जिसमें मत तीव्र आता है, कहीं दीप जले चले आना, जब शाम ढले आ जाना, ये जो तो सॉन्ग्स हैं इनमें जहां महती बुलाता है वो आप इसको इजीली बजा सकेंगे। तो मेरा विशेष आपसे निवेदन है कि आप इसकी प्रैक्टिस करें और म तीव्र का जो साउंड है उसको जरूर सुने, ताकि आपको म शुद्ध में और म तीव्र में अंतर महसूस होगा। देखिए मैं दोनों ही म बजाता हूं। म, म, तो
दोनों ही उसमें म शुद्ध और म तीव्र दोनों आ गए। आप प्रैक्टिस करें और इस पर आधारित जितने भी यमन के गाने आएंगे कल्याण थाट में, आप उसको प्रैक्टिस करें। थैंक यू।